दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरे एक भाई ने कमेंट करके पूछा है कि दुबई में मुखालिफा भी बहुत आता है, मतलब कि फाइन भी बहुत ज़्यादा आता है, आपने इसके बारे में बात नहीं किया बोल के इन्होंने बोला है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस, अगर ड्राइविंग आप काम करते हो तो कितना फाइन आता है दोस्तों, किन किन चीज़ों में फ़ाइन आता है और फाइन आने के चांसेस कितने हैं दोस्तों, और फाइन से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। बहुत सारा फाइन मुझे भी मिला है दोस्तों, तो इसके बारे में भी कैसे आप बच सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि आपको पूरी इसके बारे में जानकारी मिल सके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, होता क्या है कि दुबई में कहीं भी अगर हम जाते हैं दोस्तों, तो कुछ ना कुछ उसका नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है। ड्राइविंग में भी हमको यहाँ पर फाइन मिलने का एक नेगेटिव पॉइंट भी आप बोल सकते हो, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है, फाइन को अवॉइड किया जा सकता है दोस्तों। तो फाइन को न मिलने के लिए फाइन आता कैसा है कि अगर हम किसी रूल्स को अगर तोड़ते हैं दोस्तों, तो हमको फाइन मिलता है। दुबई में भी आपको एक किसी भी हर जगह में यहाँ पे फाइन का सिस्टम लगाया है, और ऑटोमेटिक फाइन आता है यहाँ पे, मतलब कि कैमरा यहाँ पे रडार है, बहुत बड़ा कैमरे रोड में लगे रहते हैं। तो अगर आप लेन चेंज करते हो, अननेसेसरी लेन चेंज करते हो, मतलब नियम विपरीत आप जो गाड़ी चलाते हो और कानून को वहाँ पे नहीं मानते, फॉलो नहीं करते, तो जरूर जाहिर सी बात है कि हमको कहीं पर भी आपको फाइन मिल सकता है। लेकिन अगर आप ट्रैफिक रूल को फॉलो करोगे दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छा सा यहाँ पे जो है मतलब फाइन से आप बच सकते हो। अगर फाइन ज़्यादा आता है और इसमें भी ज़्यादा मुश्किलें बोल के अगर आप पीछे हट गए दोस्तों, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल आप सफल नहीं हो पाएंगे। फाइन है, रिस्क है, हर गेम में रिस्क है दोस्तों, हर जगह में रिस्क है। तो आप अगर पहले रिस्क है बोल के गेम आप शुरू ही नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे दोस्तों। तो ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है, ड्राइविंग दुबई में आप करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे फाइन से आप बच सकते हैं, अगर ट्रैफिक रूल को आप फॉलो करिए। नहीं तो इतना करोड़ों लोग यहाँ पे ड्राइविंग करते हैं दोस्तों, अगर फाइन आएगा, मतलब फाइन आने का डर से ये लोग छोड़ देगा, तो गाड़ी कौन चलाएगा दोस्तों। लेकिन फॉलो करिए, रूल फॉलो करिए बस। हम जब फाइन नहीं आया था मेरा, तो मैंने लापरवाही से थोड़ा गाड़ी चलाया था, लेकिन जब एक बार फाइन आ गया तो भाई साहब यहाँ पे 600 दरम से, मतलब 500 दरम से, 600 दरम से स्टार्टिंग उसका फ़ाइन है दोस्तों। तो उस डर के वजह से मैं फ़ाइन बिल्कुल नहीं लेता हूँ दोस्तों, ट्रैफिक रूल को बराबर मैं फॉलो करता हूँ दोस्तों। गाड़ी चलाते हुए मैं मोबाइल कभी नहीं यूज़ करता हूँ, और जो रूल्स है दोस्तों यहाँ का, उसको मैं बराबर फॉलो करता हूँ, और ऊपर वाला कृपा से मुझे मतलब यहाँ अभी तक यहाँ मतलब बहुत दिन हो गया मुझे ट्रैफिक नहीं मिला है, फ़ाइन नहीं मिला है दोस्तों। तो दोस्तों, रिस्क हर जगह में है दोस्तों, हर फील्ड में है, हर काम में है दोस्तों, आपको ज़रूर उसका सेफ्टी अपनाना पड़ेगा, चाहे कोई भी काम पे हो और चाहे आप ड्राइविंग में हो। उसका रूल अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपको जो है फाइन आने का कम यहाँ पे चांस होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कोई भी सवाल आप करना चाहते हैं, चलता पर वीडियो में चार अंक का कोड आएगा दोस्तों, उस कोड के साथ में अगर आप कमेंट करते हैं, तो भाई आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।